प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी क्या होगा पूरे देश में बैन। आप देख रहे हैं newsviews360.com और आज की बड़ी खबर है कि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर पबजी बैन हो गया है। जी हां, गुजरात के प्राइमरी स्कूल्स में पबजी को बैन कर दिया गया है। यह सब हुआ एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि यह गेम बच्चों को लत की तरह लग रहा है। इस याचिका के बाद गुजरात शिक्षा आयोग ने गुजरात के डीईओस और डीपीईओस अर्थात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स को पत्र लिखकर कहा है कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए कि यह गेम उनके लिए अच्छा नहीं है और बच्चों को इस लत से बचाया जाए। इस पर गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि यह गेम एक एडिक्शन की तरह है, जिस वजह से बच्चे और युवा पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से भी दूर होते हुए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गेम से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और वह अपने माता पिता को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना था कि आज का बालक ही कल का नागरिक है, तो जरूरत है कि इस गेम को बैन किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार को याचिका भी दी है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि इस गेम को पूरे देश भर में बैन कर दिया जाए। यह अपने आप में ऐसा पहला किस्सा है जब किसी राज्य में इतने बड़े स्तर पर ऐसा कदम उठाया गया है। इससे पहले VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैंपस के अंदर पबजी को बैन कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा एक किस्सा सामने आया है, जिसमें स्टूडेंट यूनियन ने वहां के राज्यपाल को नोटिस जारी किया है या आग्रह किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस गेम को हटा दिया जाए। यार, अब इन सब इंसिडेंट्स से तो लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा पोचिंग की और जॉर्ज पुल पर उतरना थोड़ा मुश्किल हो। धन्यवाद, आप देख रहे थे newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में।